चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो छोटा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो। रेट इज 10%। ओके यहाँ पर वैट कलेक्शन कितना आएगा, पेमेंट कितना, जीरो, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना, 2000। 25000 पे 10%, 2500। पेमेंट कितना किया, 2000, नेट गवर्नमेंट के पास में। अब वापस 33000 आया, मतलब इंक्लूसिव है, मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो आया होगा 3000। सबका आया, कितने लोगों का नहीं आया। पेमेंट कितना किया, 2500। पेमेंट कितना करेंगे नेट गवर्नमेंट को, यहाँ पे लास्ट 50000 का 10%, 5000। पेमेंट कितना किया, 3000, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना जाएगा, टोटल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना गया, जो कि फाइनल किससे निकला था, कंज्यूमर से। इज इट क्लियर, आया कॉन्सेप्ट। तो अभी तक अपन ने वैट में 7 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहले तो वैट की जो अपन ने चीज बोली, ये वैट का पेमेंट किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, वेरी गुड। वैट टैक्स है या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, टैक्स कौन सा है, फाइनल बर्डन किसके ऊपर जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर। देन उसके बाद ये मल्टी पॉइंट टैक्सेशन है, सिंगल पॉइंट है, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन है। अगर इंक्लूसिव दिया है तो अपन का क्या करने का, उसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड कैसे करोगे, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टी डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इसमें कोई डाउट, पक्का। अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझना, सपोज हमने एक शॉप लेके रखी हुई है, शॉप ले लो या फिर फैक्ट्री ले लो, कोई भी चीज ले लो, अपन ने एक पर्टिकुलर दुकान खोल के रखी हुई जिसपे अपन क्या करते हैं, माल बेचते हैं। माल जब हमने बेचा तो हमने सबसे पहले क्या खरीदा होगा, इनपुट्स। Now inputs can be raw material or trading वाले goods, कुछ भी हो सकते हैं। इनके ऊपर ही value addition करके हमने इसको क्या किया था, माल बेचा था, ऐसे ही हुआ। तो हमने क्या बेचे, finished goods। अब suppose एक example लेता हूं कि हम लोग jeans बेच रहे हैं, jeans बनाकर बेच रहे हैं। हमारी brand का नाम है Levi's, ठीक। अब लेवाइस में आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगा होगा, सबसे पहले तो आपको लगा होगा क्लॉथ, दूसरा लगा होगा थ्रेड, तीसरा लगा होगा बटन। यस, बिना बटन के कैसे जीन्स हो पाएगी, यस। चेन या फिर जिप, चेन नहीं लगाते बेटा, वो जिप होती है। साइकिल चला रहे क्या जीन्स में, दैट इज जिप, ठीक। अब ये चारों चीजें क्या आपकी जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली यूज हो रही है, यस। अब इनके ऊपर आपने क्या पे किया होगा, वैट।
अब यहां पर मैंने वैट पे कर तो दिया, यहां पर प्रोसेसिंग के बाद मैंने फाइनली क्या निकाले, जीन्स। यहां पे मैंने कलेक्ट क्या किया होगा, वैट। हम स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट क्या करते हैं, वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड। अब इसको अगर मैं पूरी की पूरी तरह से लेके जाऊं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखूं, तो आई शुड रादर से वैट कलेक्टेड ऑन जीन्स लेस वैट पेड ऑन क्लॉथ, वैट पेड ऑन थ्रेड, वैट पेड ऑन बटन्स एंड वैट पेड ऑन जिप। ठीक, ये सब माइनस करने के बाद जो बचा हुआ पेमेंट होगा हम किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें कोई डाउट? अब ये तो प्रोडक्ट, चारों जो प्रोडक्ट अपन बात कर रहे थे, क्या ये डायरेक्टली अपने फिनिश प्रोडक्ट में दिख रहे हैं क्या? कितना भी छुपा लो है तो सही उसमें ही। अब ऐसी सिचुएशन में ये चारों प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने फिनिश गुड्स में दिख रहे हैं। पंगा ये है कि ये जो आप चारों प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो मतलब स्टिचिंग का काम कर रहे हो, स्टिचिंग हाथ से होगी, किससे होगी, मशीन। तो क्या मशीन भी खरीदनी पड़ेगी? जनरली हमारे घरों में मशीन जो होती है वो दो कंपनियों की होती है, या फिर सिंगर या फिर उषा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने किसकी मशीन ली, उषा। आई न्यू दैट यू विल ऑल से दैट हम उषा की लेंगे, सिंगर कौन दिमाग लगाएंगे, उषा। वो बोलने में अलग फील आता है नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या खरीदी, उषा की स्विंग मशीन खरीदी। अब ये स्विंग मशीन अपने लिए क्या थी, कैपिटल गुड्स या इनपुट्स? कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ एक बार में आएगी क्या, कि बोले हम उषा की एक मशीन जो होगी स्विंग मशीन उसको सिर्फ एक जींस में लगाएंगे, एक जींस बन गई नेक्स्ट मशीन, ऐसा होगा क्या? नहीं, उसकी लाइफ क्या है, ज्यादा है, तो हम उसको ज्यादा यूज करेंगे। अब पंगा ये है, ये जो अपन ने उषा की मशीन खरीदी, उषा की मशीन के ऊपर, उषा की मशीन अपने लिए कैपिटल गुड्स थी, उषा के लिए क्या थी, फिनिश गुड्स। और क्या मशीन मूवेबल होती है, क्या मशीन मार्केटेबल होती है? तो क्या मशीन गुड्स है? और अगर गुड्स है तो गुड्स के ऊपर क्या लगता है, वैट। तो यहां पर हमने उषा की मशीन के ऊपर क्या पे किया होगा, वैट। क्वेश्चन ये है, वैट पेड ऑन उषा स्विंग मशीन के ऊपर क्या अपने को यहां पर माइनस करने को मिलेगा? क्वेश्चन समझ आया? देखो जीन्स बना रहा हूं मैं, जीन्स बनाने के लिए क्लॉथ के ऊपर जो मैंने वैट पे किया वो तो डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो उसका आपने क्रेडिट दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद थ्रेड के ऊपर अपन ने वैट पे किया तो उसका भी आपने हमको माइनस करने दे दिया, थैंक यू। थर्ड बटन्स के ऊपर हमने क्या पे किया, वैट का पेमेंट किया, आपने उसका भी क्रेडिट दे दिया। फोर्थ जिप के ऊपर आपने जो हमको, हमने वैट का पेमेंट किया उसका भी क्रेडिट दे दिया। क्वेश्चन ये है, ये चारों चीज क्या एक जींस में लग रही होंगी? बट अगर मैं स्विंग मशीन की बात करूं तो क्या एक जींस में एक ही स्विंग मशीन अपन यूज कर रहे हैं क्या, एक स्विंग मशीन एक जींस, ऐसा यूज करोगे क्या? उसकी लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी। हो सकता है कोई कोई मशीन की लाइफ 10 साल से ज्यादा हो, कोई कोई 1 साल से ज्यादा हो। अब क्वेश्चन ये है, ये जो मैंने वैट का पेमेंट किया है उषा स्विंग मशीन में, क्या इसका भी आप मुझे बेनिफिट दोगे? क्वेश्चन समझ आया? अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, यहां पर एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज आर 8th पॉइंट। 7 पॉइंट तक अपन ने पढ़ लिया था इंक्लूसिव तक। 8वां पॉइंट बोलता है वेरिएंट्स ऑफ वैट। अब एक वापस बेस पर आ जाओ, वैट टैक्स या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ये कौन सी गवर्नमेंट ले रही है, तो जो नॉर्म्स एमपी के होंगे क्या जरूरी है क्या वही नॉर्म्स महाराष्ट्र के हों, जो नॉर्म्स जम्मू कश्मीर के क्या जरूरी है क्या वही नॉर्म्स केरला के हों, जो नॉर्म्स वेस्ट बंगाल के हैं तो क्या जरूरी है क्या वही नॉर्म्स बिहार के भी हों? नहीं, हर स्टेट के पास अपनी अपनी क्या है, फिजिबिलिटीज हैं, अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, नॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला, अगेन हम वेरिएंट्स पढ़ रहे हैं किसके, वैट के, मतलब हम वेरिएंट्स पढ़ रहे हैं टैक्स के या वेरिएंट्स पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के? वेरी गुड, हम कॉन्सेप्ट के वेरिएंट्स पढ़ रहे हैं। देर आर 3 वेरिएंट्स, एक है जीपी वेरिएंट, एक है इनकम वेरिएंट और एक है कंजम्पशन वेरिएंट।
तीन वेरिएंट्स, पूरे के पूरे वेरिएंट्स में झगड़ा यह है कि वैट कलेक्टेड ऑन फिनिश गुड्स लेस वैट पेड ऑन इनपुट्स लेस वैट पेड ऑन कैपिटल गुड्स. इनपुट्स के लिए अपन ने चार प्रोडक्ट अभी निकाले थे. पहला क्या निकाला था? क्लॉथ. दूसरा थ्रेड. तीसरा बटन्स. चौथा जिप. और कैपिटल गुड्स के लिए अपन ने क्या लिया? उषा नहीं, उषा की स्विंग मशीन. स्विंग मशीन, ठीक. अब जीपी वेरिएंट बोलता है कि ये देखो, फिश वैट कलेक्टेड ऑन फिनिश गुड्स लेस वैट पेड ऑन इनपुट्स, इसको तो दुनिया की कोई भी ताकत माइनस करने को नहीं रोक सकती. पंगा किसका है, इनपुट्स का या कैपिटल गुड्स का? कैपिटल गुड्स का. जीपी वेरिएंट बोलता है हम कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट नहीं देंगे. मतलब जो आपने उषा की स्विंग मशीन पर वैट का पेमेंट किया, हम आपको वो माइनस करने नहीं देंगे. कौन बोला? जीपी वेरिएंट. बहुत क्लियरली बोला. क्या बोला? हम वैट ऑन कैपिटल गुड्स का आपको बेनिफिट नहीं देंगे. क्लियर? ये कौन सा वेरिएंट बोला? जीपी. कंजम्पशन वेरिएंट बोला बिंदास ले लो. मतलब जो हमने उषा की स्विंग मशीन के ऊपर वैट का पेमेंट किया, पूरा का पूरा क्रेडिट ले लो, हमको कोई दुख नहीं है. क्लियर? पहले इस पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर, एक तो किसके ऊपर? जीपी वेरिएंट के ऊपर, और दूसरा कंजम्पशन वेरिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट वो चीज और हमारे दिमाग में क्लियर बने. क्वेश्चन लिखें. रॉ मटेरियल परचेस्ड रुपीज 1 लाख, कैपिटल गुड्स परचेस्ड 6 लाख, सेल्स 5 लाख, वैट रेट 10%. वैट रेट कितना है? 10%. पहला हम देख रहे हैं जीपी वेरिएंट से, और दूसरा हम देखेंगे कंजम्पशन से. हर जगह अपना फॉर्मूला क्या है? वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड ऑन इनपुट्स माइनस वैट पेड ऑन कैपिटल गुड्स. सेल्स कितनी थी? 5 लाख. वैट का रेट कितना था? 10%. तो वैट कलेक्ट कितना किया होगा? इसमें कोई डाउट? क्लियर? इनपुट्स पे हम माइनस करें. इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कितना का था? 1 लाख. 1 लाख के ऊपर 10% कितना होगा? 10,000. क्या जीपी वेरिएंट कैपिटल गुड्स के क्रेडिट का बेनिफिट देता है? मतलब क्या जीपी वेरिएंट हमको यहां पर वैट ऑन कैपिटल गुड्स माइनस करने दे रहा है? नहीं. तो हम फाइनली गवर्नमेंट को पेमेंट कितना करेंगे? 40,000. क्लियर? कंजम्पशन पे आ जाओ. कितना बोलता है? 50,000. तो कलेक्शन, ये तो सेम ही होगा. लेस वैट पेड ऑन इनपुट्स, ये भी सेम होगा. अब पंगा ये है, जीपी वेरिएंट बोलता है, सॉरी कंजम्पशन वेरिएंट बोलता है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर आपने जो भी वैट का पेमेंट किया है, हम उसका आपको क्रेडिट देंगे. मतलब क्या ये कैपिटल गुड्स के ऊपर जो मैंने वैट का पेमेंट किया है, इसको माइनस करने दे रहा है? यस. कितना पे किया? 60,000. तो कितना हुआ? नेगेटिव 20,000. मतलब अभी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल में. मतलब अगले साल में माइनस का फिगर अपना ज्यादा है, तो अगले पीरियड में अपन उसको इवैल्यूएट करेंगे, देन फाइनल पेमेंट करेंगे. इसका ये मतलब नहीं गवर्नमेंट से वैट ले लो. अपने दिमाग में आना चाहिए, सर वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड इज नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट.
इफ दैट फिगर कम्स नेगेटिव कैन वी टेक वैट फ्रॉम गवर्नमेंट दैट इज नॉट पॉसिबल. ये हम क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये कौन सा वेरिएंट था? कंजम्पशन. पहला वाला क्या था? तो बताओ जीपी वेरिएंट क्या आपको बेनिफिट देता है क्या कैपिटल गुड्स का? नहीं. क्या कंजम्पशन वेरिएंट दे रहा है क्या? यस. बीच में फंसा हुआ एक वेरिएंट है जिसका नाम क्या है? इनकम. जहां पर इनकम वर्ड यूज हुआ हमारे दिमाग में कौन सा अकाउंट आना चाहिए? पी एंड एल अकाउंट. कैपिटल गुड्स हमारे लिए फिक्स एसेट है या स्टॉक है? फिक्स एसेट्स है. अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग की, अपन ने एक यूनिट डाली. जीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने पर स्विंग मशीन जो मैंने खरीदी उषा की स्विंग मशीन जो खरीदी वो मेरे लिए स्टॉक है या फिनिश? ये मेरे लिए फिक्स एसेट थे. फिक्स एसेट से बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर एक, यस वेरी गुड, डेप्रिसिएशन लगता है. तो इन्होंने भी यही बोला, इनकम वेरिएंट बोलता है कि जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनता था. किसके ऊपर? उषा की स्विंग मशीन के ऊपर. उषा पे मत लगा दियो. उषा की स्विंग मशीन के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन बनता है उतना ही हम आपको क्या देंगे? क्रेडिट देंगे. मतलब इसी क्वेश्चन में मैं अगर डेप्रिसिएशन का रेट डाल दूं, से डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहां पर लगाएं तो अब कैसे लगेगा? कंजम्पशन वेरिएंट तो हमने समझ लिया, इनकम वेरिएंट भी हमने समझ लिया, सॉरी जीपी वेरिएंट भी देख लिया, बचा कौन सा? इनकम वेरिएंट. तो अब हम एक इनकम वेरिएंट भी बना देते हैं. वैट कलेक्टेड वो तो सेम ही होगा, कितना? 50,000. वैट पेड वो भी सेम होगा, कितना? 10,000. पंगा किसका है? कैपिटल गुड्स का. इनकम वेरिएंट क्या बोलता है? कैपिटल गुड्स के ऊपर पूरा लेने का या आधा? ना पूरा ना आधा, जितना डेप्रिसिएशन बनता है उतना ही, यही बोला. तो यहां पर कैपिटल गुड्स के ऊपर आपका क्रेडिट है कितना? 6,00,000 का 10%, दैट इज 60,000. 60,000 के ऊपर आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन का रेट, दैट इज 20%. इस साल हम आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कितना देंगे? 12,000. माइनस कितना करेंगे? 12,000. टैक्सेबल मतलब पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 28,000. क्या ये 20% आपको अगले साल भी बेनिफिट मिलेगा? यस. क्या उसके अगले साल भी मिलेगा? यस. कब तक मिलेगा? जब तक ये क्रेडिट 60,000 रुपए का जीरो ना हो जाए तब तक आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा. मतलब जितना डेप्रिसिएशन का रेट है, किसका डेप्रिसिएशन का रेट है? जिसका डेप्रिसिएशन का रेट है, वो डेप्रिसिएशन का रेट आप किसके ऊपर लगा लो? क्रेडिट के ऊपर लगा लो. हर साल के बेसिस पे जैसे आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है वैसे ही आपको किसका बेनिफिट मिलेगा? क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा. आया? तीन वेरिएंट्स हैं. पहला जीपी वेरिएंट, दूसरा कंजम्पशन वेरिएंट और तीसरा इनकम वेरिएंट. झगड़ा किसका है, इनपुट्स का या कैपिटल गुड्स का? कैपिटल गुड्स का. जीपी वेरिएंट बोलता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा. कंजम्पशन वेरिएंट बोलता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भरपूर ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं. इनकम वेरिएंट बोलता है जितना आपका डेप्रिसिएशन का रेट है उतना ही हम आपको अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते. क्लियर आ रहा है समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं और चीज क्लियर होगी. रॉ मटेरियल परचेस्ड 5,00,000, कैपिटल गुड्स परचेस्ड 15,00,000, सेल्स 12,00,000, वैट का रेट 10%, डेप्रिसिएशन 25%. तीनों वेरिएंट से आपको यह निकालना है कि नेट पेमेंट अपने को गवर्नमेंट को कितनी करनी है.
हो गया। चलो चेक करें। सबसे पहले जीपी वेरिएंट, क्या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। तो सबसे पहले 12 लाख का 10% कितना होता है? 1,20,000। परचेस कितने की करी थी? 5 लाख की। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। देन क्या जीपी आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट देता है? नहीं। तो यहां पर कुछ माइनस होगा क्या? नहीं। आंसर कितना आएगा? ये 70,000 हम किसको पेमेंट करेंगे? नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। इसमें कोई डाउट? कंजम्पशन वेरिएंट क्या बोलता है? पूरा का पूरा क्रेडिट दे दो या आधा अधूरा? पूरा क्रेडिट दे दो। तो कलेक्शन कितना किया? 1,20,000। पेमेंट कितना किया? 50,000। पंद्रह लाख का 10%, 1.5 लाख, तो नेगेटिव। बताओ इस नेगेटिव अमाउंट का क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। इसमें कोई डाउट? इनकम वेरिएंट क्या पूरा क्रेडिट देता है क्या अथवा? तो ये 1,20,000 तो आएगा ही आएगा, लेस 50,000। अब यहां पर आपको क्रेडिट कैसा मिलेगा? अकॉर्डिंग टू दी डेप्रिसिएशन। तो आपका क्रेडिट कितना का था? 15 लाख का 10%, दैट इज 1,50,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? तो इसका 25%। कितना आएगा? तो यहाँ पे माइनस कितना होगा? 37,500। बचा कितना? कितने लोगों के तीनों सही? अरे वेरी गुड, क्या बात है, गुड। अब एक मेरे को बात बताओ, ये जो अपन के कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े वेरिएंट्स तीन प्रकार के, जीपी, कंजम्पशन और इनकम, इंडिया में कौन से लगते हैं? अगेन, क्या वैट का कॉन्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया लग रहा है क्या? कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट क्या हर स्टेट के पास पावर है अपने अपने नॉर्म्स बनाने का? तो यहां पर हर स्टेट के पास अपना अपना पावर है कि वो अपने अपने वेरियंट्स चुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी केसेस इंडिया में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन क्यों लगता है, मैं उसके पीछे आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, सो दैट वो अपने दिमाग में क्लियर रहे। वैट जब ये कॉन्सेप्ट आया था, तब ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने जब पारित किया था, गवर्नमेंट कोई भी एक्ट तभी पारित कर पा सकती है जब ओवरऑल सब स्टेट्स की क्या हो, मंजूरी हो। अब मुद्दा ये, हर स्टेट ने अपने अपने नॉर्म्स रखे, गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई स्टेट बोलता है कि हमको ये वाला नॉर्म नहीं चाहिए, कोई स्टेट बोलता है हमको ये वाला नॉर्म नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, गवर्नमेंट बोले यार ऐसे कैसे चलेगा यार, तो एक काम करो तुम अपने हिसाब से बना लो। तो मिलेगा तो सही पेमेंट, उसमें कोई दो राय नहीं, बट मुद्दा यह है कि ये जो पेमेंट मुझे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट मिल रहा है ना, लेन दो। अपन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करो? कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि सब स्टेट्स कंजम्पशन यूज कर रहे हैं, हाँ, बट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सा मेथड यूज हो रहा है? कंजम्पशन। तो अपने पास तीन वेरियंट्स है, कौन कौन से? जीपी, कंजम्पशन, इनकम।
जीपी वेरिएंट में इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, सही है? इनपुट्स का क्रेडिट तो हर जगह मिलेगा, लफड़ा किसका है? कैपिटल गुड्स का। क्या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है? नहीं। दूसरा, कंजम्पशन वेरिएंट में इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलता है? मिलता है। क्या कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है? यस। किसमें? कंजम्पशन में। इनकम वेरिएंट में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है? मिलता है, बट कैसे मिलेगा? टुकड़ों में मिलेगा। हम क्या करेंगे? एज पर उसका क्रेडिट लेंगे। क्लियर है? पक्का? तो अभी तक अपन ने 8 पॉइंट्स पढ़ लिए। सबसे पहले वैट का कॉन्सेप्ट, हम वैट का पेमेंट किसको करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। वैट क्या है? इसके ऊपर टैक्स कौन सा लगा रहे हैं? फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर। ये सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट? इसने अपने क्या अटकाया? कास्केड इफेक्ट हटाया, तो जाके कौन सा कॉन्सेप्ट लाए? कैलकुलेशन के तरीके कितने? दो, या फिर एडिशन के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दो, या फिर वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड। देन इंक्लूसिव होता है तो अपन क्या करते हैं? वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। एंड देन वेरिएंट्स कितने प्रकार के? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। जीपी वेरिएंट में क्रेडिट कैपिटल गुड्स का, कंजम्पशन में पूरा मिल जाएगा, और इनकम में एज पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे।